फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट GERD. स्पेशली GERD स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज. यू नो दैट आवर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सीरीज इज गोइंग ऑन. द यूनिट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स. यूनिट नंबर वन फ्रॉम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वन इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स. एंड टुडे वी हैव द डिजीज नंबर थर्ड. टुडे वी हैव द थर्ड नंबर डिजीज विच इज अबाउट GERD. GERD इज स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज. सो आज हम GERD को पढ़ेंगे कि GERD है क्या, GERD की काजेज कौन सी हैं, क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की वजह से GERD डिजीज होता है, उसके साइन सिम्टम्स यानी अलामत निशानियां कौन सी होंगी, उसकी मेडिकल डायग्नोसिस क्या होगी, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन इसको हम कहते हैं, और इसके अलावा उसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगी. सो लुक एट योर स्टूडेंट्स, व्हाट इज GERD. GERD स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज. Look at your students. What is the definition of the GERD? GERD is a condition that occurs when the lower esophageal sphincter does not work properly and stomach contents leak backward or reflux into the esophagus. Got it, students? GERD कौन सी disease है? GERD एक condition है in which the lower esophageal sphincter, इसोफेगस की जो नीचे वाली स्फिंक्टर होती है जो स्टमक के साथ कनेक्ट होती है, उसमें क्या होता है, डज नॉट वर्क प्रॉपरली, वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से स्टमक में जो कंटेंट पड़ा होता है, जो फूड या कोई मटेरियल पड़ी होती है स्टमक का अपना कंटेंट, तो क्या होता है, वो बैकवर्ड फ्लो होता है इसोफेगस की तरफ, यानी स्टमक से निकलकर इसोफेगस में चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं GERD. Got it, students? GERD is a condition जिसमें स्टमक का कॉन्टेंट बैक फ्लो होता है. किस तरफ बैक फ्लो होता है? इसोफेगस की तरफ, यानी इसोफेगस में आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये जो कंडीशन है इसको हम कहेंगे GERD. अच्छा, GERD की वजूहात कौन कौन सी होंगी, यानी हमारा स्टमक में से जो कॉन्टेंट है वो बैक फ्लो हो रहा है. वैसे तो कुदरत का निजाम है कि स्टमक में से कोई भी कंटेंट बैक फ्लो नहीं होता. हाँ, अलबत्ता हम अगर कोई चीज खाते हैं, निगलते हैं, तो एब्सोल्युटली क्या होता है, वो नीचे स्टमक में उतर जाता है, लेकिन स्टमक से कोई भी चीज ऊपर की तरफ नहीं आता अगर कोई डिफरेंट कंडीशंस ना हो जाते हैं. तो ये भी कंडीशन है जिसमें स्फिंक्टर्स जो होती है, मसल जो होती है इसोफेगस की और स्टमक की जो कनेक्शन होती है, वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा होता, यानी बंद सही तरीके से नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि GERD होता है. जिस तरह की प्रेगनेंसी में जो वुमेन्स होती हैं, वो खास तौर पर GERD डिजीज का जो है ना वो निशाना बनती है. किस वजह से? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होती हैं प्रेगनेंसी में, कुछ ऐसे हार्मोन्स होती हैं जो जाकर के जो जंक्शन होती है इसोफेगस और स्टमक की, जिस तरह की प्रोजेस्टेरोन जो है वो हार्मोन हो गया, वो वहां जाकर क्या करता है, वो वैसे स्टमक और इसोफेगस की जो कनेक्शन होती है वो बंद होती है. जब वो हार्मोन वहां पर आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो खुल जाता है, यानी प्रॉपरली बंद नहीं होता, जिसकी वजह से स्टमक में जो कंटेंट पड़ा होता है वो बैक फ्लो होता है. किस तरफ? अपर साइड, यानी इसोफेगस की तरफ चला जाता है. अच्छा, काजेस देखते हैं कि आया इस GERD की काजेस कौन कौन सी हो सकती है. तो लुक एट योर स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर वन काज जो है वो स्मोकिंग है. स्टोमाटाइटिस पढ़ा हमने, गॉट इट स्टूडेंट्स? स्टोमाटाइटिस के बाद ओरल कैंसर पड़ा, स्टोमाटाइटिस में भी स्मोकिंग काज कर रहा था टोबैको कर रहा था बिल्कुल. इसके बाद जो ओरल कैंसर पड़ा उसमें भी स्मोकिंग कर रहा था, एंड इधर भी स्मोकिंग क्या काज करा रहा है, GERD काज करा रहा है, यानी स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस टू हेल्थ. गॉट इट? उसके बाद बेवरेजेस यूज, यानी बेवरेजेस जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, वो हम अगर यूज करते हैं तो कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक स्टमक में जा करके वहां पर एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अभी नई रिसर्च 2021 में जो रिसर्च हुई है, जिसमें ये जो NIDD आपके आपको नजर आ रहा होगा, ये शॉर्ट फॉर्म किसका है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द डाइजेस्टिव एंड डिजीज ऑफ द किडनी. कौन कौन सी?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द डाइजेस्टिव डिजीजेस ऑफ द किडनी, यानी इसकी रिसर्च के मुताबिक जितने भी बीवर्जेस हैं गर्ड के जो पेशेंट हैं उनको उन चीजों से अवॉइड करनी चाहिए। यानी बीवर्जेस भी काज करा रहे हैं किसको, गर्ड को। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास काज आता है वो है लार्ज मील, यानी जब हम खाना खाते हैं तो खाने को छोटे छोटे पीसेस में नहीं तोड़ते। अल्लाह पाक ने दांत क्यों दिए हैं हमें, ताकि उस खाने को सही तरीके से चबाएं, च्यू करें। अगर उसको हम सही तरीके से नहीं चबाएंगे, नहीं ऐसे ही निगल लेंगे खाने को बड़े बड़े यानी लुक में, उसके जो टुकड़े पीसेस जो बड़े होंगे तो स्टमक में जब जाएंगे तो ऑब्वियसली स्टमक को वो चीज चाहिए जो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में हो, जिसको वो डाइजेस्ट कर पाए। तो अगर लार्ज मील हम यूज करेंगे या ज्यादा खाना खाएंगे, ओवर पेट बर्कर यानी बिल्कुल सुपर सैचुरेटेड, जिस तरह केमिस्ट्री में पढ़ा था ज्यादा खाना खाएंगे, तो उस वजह से भी स्टमक का काम क्या होगा, ओवरलोड ज्यादा होगा। ओवरलोड की ज्यादा वजूहत की फिर क्या होंगे इसकी, फिर एसिडिटी भी बढ़ेगी। जब एसिडिटी बढ़ेगी देन क्या होगा, गर्ड काज होगा। गॉट इट स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या हो गया, ईटिंग टू मच यानी हद से ज्यादा खाना। जिस तरह दावत में लोग जाते हैं तो ये नहीं सोचते कि भाई अपना पेट है या खाना किसका है, वो कहते हैं बस खाओ। जब वो खाते हैं तो उसके बाद फिर जब बैग घर जाते हैं तो किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को क्या, तो यही वजूहत है कि भाई लिमिट में ईटिंग करें, खाना लिमिट में खाएं ताकि स्टमक जो है वो प्रॉपरली काम कर सके। जब ज्यादा खाना खाएंगे स्टमक पर ओवरलोड होगा, जब ओवरलोड होगा देन ऑब्वियसली गर्ड काज। गॉट इट स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद क्या है, अल्कोहल। स्टोमाटाइटिस में भी अल्कोहल काज था, ओरल कैंसर में भी अल्कोहल काज हो रहा था, इधर भी अल्कोहल काज हो रहा है। यानी अल्कोहल को आप सही तरीके से देख ले, पढ़ लीजिए कि अल्कोहल क्या चीज है। तो अल्कोहलिज्म शराब नोशी की वजह से भी गर्ड काज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है हाइटल हर्निया। अच्छा, आप परेशान हो रहे हाइटल हर्निया हाउ डज इट काज दी गर्ड। स्टूडेंट्स, हाइटल हर्निया जो होता है वो इस जगह पर इसोफेगस जो होता है इसकी अपर वाली साइड पर, इस जगह पर हाइटस हर्निया होता है। जब हाइटस हर्निया हो जाता है तो इसोफेगस की मसल्स जो होती हैं उनमें कुछ चेंजिंग की वजह से फिर क्या होता है, कंटेंट जो स्टमक में पड़ा होता है वो बैकफिल होता है इसोफेगस में। उसके बाद क्या है, प्रेगनेंसी। जैसे शुरू में ही मैंने आपको कहा था कि भाई प्रेगनेंसी में क्या होता है, स्फिंक्टर जो मसल होती हैं वो खुल जाती हैं, प्रेगनेंसी भी काज है। अच्छा, किस तरह काज है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लिखा हुआ है। प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होती हैं, प्रोजेस्टेरोन वहां पर आकर के क्या करता है, वो जो स्फिंक्टर जो होती है वो जो इसोफेगस जो बंद होता है वैसे बंद होता है, फिर उसको कुछ खोल देता है। जब वो खुल जाता है जो कॉन्टेंट पड़ा होता है वो ऑब्वियसली क्या होगा, इजिली देन पास आउट होगा, बैकफिल होगा किसमें, अपने इसोफेगस में। अच्छा, ये थी इनकी वजूहत, ये सारी वजूहत थी गर्ड की। अच्छा, अलामत कौन सी होंगी गर्ड की, अगर गर्ड काज हो भी गया, हो जाए, हमें किस तरह मालूम होगा आगे आया इसको गर्ड है या कोई और कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे भाई हर्ट बर्न है पेशेंट को। तो साइन सिम्टम में फर्स्ट वन क्या है, हर्ट बर्न। गॉट स्टूडेंट्स, हर्ट बर्न क्या है इसकी अलामत है। उसके बाद क्या है, चेस्ट पेन, ठीक है, छाती का जलन, छाती में जब महसूस दर्द महसूस होता है, जलन होता है, तो ये भी क्या कहा, क्या साइन सिम्टम है किस चीज की, गर्ड की। उसके बाद क्या है, सोर थ्रोट यानी गले में पेन महसूस हो जाना, थोड़ा थोड़ा क्या हो जाना, गले में खराश महसूस करना, गले में थोड़ा दर्द महसूस करना। अच्छा, उसके बाद क्या है, डिस्फेगिया। गॉट इट, स्टोमाटाइटिस में भी डिस्फेगिया साइन सिम्टम था, ओरल कैंसर में भी था, और इधर भी डिस्फेगिया साइन सिम्टम है। सो डिस्फेगिया को जो टर्म है मेडिकल टर्म, इसको रट ले, इसको ये जहन नशीन कर ले, डिस्फेगिया मींस डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, डिफिकल्टी यानी किसी भी चीज को निकलने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, मुश्किल हो रही हो। अच्छा, उसके बाद क्या है, वोमिटिंग। गॉट इट स्टूडेंट्स, वोमिटिंग भी साइन सिम्टम है किसकी, गर्ड की। ऑब्वियसली जब रिफ्लेक्स डिजीज होगा, जब स्टमक का कंटेंट हमारे इसोफेगस में आएगा, तो हम क्या कुछ अच्छा टेस्ट फील नहीं करेंगे। जब अच्छा टेस्ट फील नहीं करेंगे तो फिर जो दूसरे जो सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम, जब उसको ऊपर जाके
स्टिमुलेट करेगा, तो स्टमक से फिर क्या होगा हमें वोमिटिंग, स्टमक में और ज्यादा कंटेंट फिर जो है ना वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या है बैड ब्रीथिंग यानी मुंह से स्मेल आना, बैड ब्रीथिंग को क्या कहते हैं हेलिटोसिस। स्टोमाटाइटिस में पढ़ाया था व्हाट इज हेलिटोसिस, क्या था साइन सिम्टम था किसका स्टोमाटाइटिस का, इधर भी साइटम साइन सिम्टम है किस चीज का गर्ड का, क्या कहते हैं इसको हेलिटोसिस, हेलिटोसिस मीन्स बैड ब्रीथ। अच्छा उसके बाद क्या है ओडिनोफेगिया, पहले पढ़ा डिस्फेगिया एंड डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, इसी तरह ओडिनोफेगिया भी पेनफुल स्वेलोइंग यानी उसमें मुश्किल का सामना करना हो, दिक्कत हो रही हो खाने में, लेकिन ओडिनोफेगिया में क्या होगा दिक्कत का सामना तो होगा ही होगा लेकिन इसके साथ हमें पेन भी फील होगा इसोफेगस में, किसी चीज को हम निगल नहीं सकेंगे सही तरीके से। उसके बाद लास्ट में है हमारे पास साइन सिम्टम चौकिंग, इस तरह कोई चीज फंस जाती है तो हमें क्या खांसी आ जाती है, खांसी आ जाती है, इसी तरह चौकिंग भी साइन सिम्टम है किसकी गर्ड डिजीज की। अच्छा काजेज भी हमने पढ़ लिए, साइन सिम्टम्स भी निशानियां अलामात भी हमें मालूम हो गई। अच्छा अब हम मालूम कैसे करेंगे मेडिकल जो इन डायग्नोसिस होगी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन होगी, हम किस तरह से मालूम करेंगे कि आया इसको गर्ड है। सो डियर स्टूडेंट्स गर्ड को डायग्नोस करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस है, थ्री कंडीशंस से हम गर्ड की डायग्नोसिस कर सकते हैं। आया वो नंबर वन कौन सा है एंडोस्कोपी होगा, ठीक है लिखा हुआ है इधर एंडोस्कोपी। अच्छा अपर जीआई एंडोस्कोपी यानी अपर गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी के जरिए हम क्या करेंगे इसोफेगस में जो कैमरा जो छोटा सा समाल कैमरा होता है जिसके जरिए हम विजुअलाइज करते हैं, ठीक है इंटरनल जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसको, तो अपर जीआईटी की एंडोस्कोपी करेंगे इसोफेगस की एंडोस्कोपी करेंगे, इस तरह से हमें डायग्नोसिस हो सकता है क्या है गर्ड है नहीं। उसके बाद नंबर टू हमारे पास है इसोफेगियल मोनोमेट्री यानी इसोफेगियल मोनोमेट्री करेंगे, इसोफेगियल मोनोमेट्री करने के बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे होगा इसोफेगियल पीएच मॉनिटरिंग, इसोफेगियल इसोफेगस की जो पीएच होती है उसको मालूम करेंगे। अच्छा इसोफेगियल पीएच को मॉनिटर करने के लिए हम एक ट्यूब डालते हैं, ठीक है ट्यूब को हम ट्रेकिया से सॉरी इसोफेगस में पास करके रख देते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं इसोफेगस की जो पीएच होती है हम उसको मालूम करते हैं कि आया इसोफेगस की पीएच क्या है एसिडिक है बेसिक है, एंड आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक होगी या बेसिक होगी, स्टमक एसिडिक है तो इसोफेगस आपको मालूम करना होगा कि एसिडिक है या बेसिक है, अगर जिसने मालूम है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दे कि इसोफेगस की अगर एसिडिक है तो उसकी एसिडिटी कितनी है। अच्छा उसके बाद क्या है हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट, डायग्नोस भी कर दिया तीन तरीकों से ना हमने किसको गर्ड डिजीज को डायग्नोस कर दिया, हमें मालूम हो गया डॉक्टर ने फिजिशियन ने जान लिया कि आया इसको ये जो कंडीशंस थी तीन इनसे हमें तीनों में से किसी भी से पता चला कि इसको गर्ड है। अच्छा तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगी उसकी ट्रीटमेंट क्या देंगे गर्ड की पेशेंट को कि वो जो है एबनॉर्मल कंडीशंस में नॉर्मल कंडीशन में आ जाए यानी वो क्या सही हो जाए, ठीक है प्रॉपर तरीके से इंप्रूव हो जाए हमारा पेशेंट इंप्रूव हो जाए, तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या देंगे उसको पेशेंट को टारगेट सेल थेरेपी या कीमोथेरेपी देंगे, कीमोथेरेपी हमारे पास टारगेट सेल थेरेपी में क्या क्या होंगे हमारे पास मेडिसिन होंगी, कौन सी मेडिसिन होंगी नंबर वन है हमारे पास एंटासिड्स, गॉट इट स्टूडेंट्स, मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या कौन सी मेडिसिन देंगे एंटासिड्स, एसिडिक जो मेडिसिन होती है एंटासिड्स देंगे। अच्छा एंटासिड में से कौन कौन सी मेडिसिन देंगे हम कोई भी ब्रांड लेंगे कोई भी जैसे हमारे पास म्यूकस हो गया म्यूकोस हो गया और इसके बाद क्या हो गया गेविजो कौन, ठीक है इसके बाद क्या है एच टू ब्लॉकर्स देंगे जो जाकर के स्टमक की जो ब्लॉक एसिडिटी जहां से प्रोड्यूस की वो जाकर के उसको ब्लॉक करेंगे, जब वो ब्लॉक होंगी तो एसिडिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, जब एसिड प्रोड्यूस नहीं होगी तो ऑब्वियसली गर्ड काज नहीं होगा, तो एच टू ब्लॉकर्स में हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल देखे हुए हैं ये लिखा हमारे पास फेमोटाइडाइन जो क्या है एफसीड है, उसके पास क्या है रेंटीडाइन हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी एच टू ब्लॉकर्स की, गॉट यू स्टूडेंट्स। अच्छा थर्ड वन हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स की, ठीक है
प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे ताकि हम स्टमक की जो एसिडिटी होगी वो कम हो। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में हमारे पास कौन से ग्रुप होंगे, जोल ग्रुप होंगे। उस जोल ग्रुप में से हम कौन सी दे सकते हैं, ओमिपेराजोल दे दे उठा करके, या कोई आइसोपेराजोल दे दे, या कोई और जोल ग्रुप में से कोई भी एसिडिटी को कम करने के लिए आप जो है मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करें। तो ये गर्ड जो हमारे पास तीसरी जो डिजीज थी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में से, आज इसे हमने क्लियर कर लिया। Dear students, for your review in just seconds, what is GERD? GERD is a condition in which the lower esophageal के जो muscles होती हैं वो properly काम नहीं कर पा रही होती। जब वो properly काम नहीं करेंगी तो हमारे stomach में जो content पड़ा है वो backflow होगा कहाँ पर, esophagus की तरफ। अच्छा, उसकी causes कौन कौन सी होंगी, smoking होगी causes, alcohol हो गया causes, बेवर्जिश यूज हो गया, लार्ज मील, ओवर ईटिंग, अल्कोहल, हाइट हर्निया, प्रेगनेंसी, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। अच्छा, साइन सिम्टम्स में हमारे पास हो गया क्या है, हार्ट बर्न हो गया, चेस्ट पेन हो गया, सोर थ्रोट, डिस्फेगिया, वोमिटिंग, बैड ब्रीथिंग, ओडिनोफेगिया एंड चोकिंग। इसी तरह डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन जो 30 तरीकों से किया था वो, और मेडिकल मैनेजमेंट हमारे पास जो लिखी हुई है। सो डियर स्टूडेंट्स, गर्ड क्लियर हो गया। इसके बाद सीरीज में हम देखेंगे कि हमारे पास है कि करिकुलम की तरफ से कौन सा डिजीज दिया गया है, फिर हम उस डिजीज को क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। अगर वीडियो समझ में आ रही हो और गर्ड आपको समझ में आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी का क्यूरी हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। अगर अच्छे लग रहे हो लेक्चर तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें, लाइक भी करें। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता ताकि आप इसकी जो स्क्रीनशॉट निकाल दें सही तरीके से गर्ड डिजीज की, ताकि फिर जो है आपको ये काम आए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी काम है, एमसीक्यू और एसईक्यू की वजह से, और वैसे भी आपको काम है, जिसे स्क्रीनशॉट निकालना वो स्क्रीनशॉट निकाल दें।